of wondering what did happen to tera har ek zarra humko apni jaan se pyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aap dekh rahe hain You Punjab. मुमलकते पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी के मौका पर कस्बा जनेला शेर खान शेखुपरा में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से फारूक तहसील होने वाले तालिब इल्मों ने 100 साल से ज़ायद उम्र के अपने स्कूल के सीनियर हेडमास्टर को बुलाकर अपनी यादें ताज़ा कर लीं। रिक्कत अमेज़ मनाजर, तालिब इल्मों का उस्ताद की कदम बोसी और हाथों को चूमने के मनाजर ने सबको अपनी तरफ मतवजा किए रखा। 50 साल कबल 1962 से 1983 तक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जंडेला शेर खान में बतौर सीनियर हेडमास्टर तालीमी खिदमत सर अंजाम देने वाले उस्तादों के उस्ताद फखरे उसाजा चौधरी रहमत अली साहब को उनके 70 से 80 साल उम्र के तालब इल्मों ने उनको इसी मादर इल्मी में बुलाकर जहां अपनी जमाना तालब इल्मी की यादें ताज़ा की, वहां पर इनको लाइफ अचीवमेंट एवार्ड से भी नवाजा। पुरवकार तकरीब का अहतमाम स्कूल इंतजामिया, स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल और वारिस शाह वेलफेयर सोसाइटी की इंतजामिया की तरफ से किया गया। पुरवकार तकरीब में मोहम्मद यूनस काजी, मोहम्मद याकूब जिया, मलक गुलाम हैदर खोकर, मलक बशारत खोकर, साई बराइद्दीन, एहसानुल मालिक खान, मियाँ हबीबुर रहमान, ताहिर रशीद खान, सीनियर हेडमास्टर राणा एहसानुल हक समेत उसाजा इकराम और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक़दा पुरवकार तकरीब में मुकर्रीन मोहम्मद यूनस काजी, राणा एहसानुल हक, मोहम्मद याकूब जिया और अख्तर सूल जंजुआ ने जहां उसाजा इकराम के मुकाम पर रोशनी डाली, वहां पर अपनी तमाम तर कामयाबियों का सेहरा अपने उसाजा, वालदैन और बिलखसूस चौधरी रहमत अली साहब को करार दिया, जिनकी तवज्जा पढ़ाई के अंदाज ने इन साबका तालिब इल्मों ने याद रखा। हमने जनाब हेडमास्टर साहब से, जो कि हमेशा उनसे रابطہ रहता है, अरसा दराज से हमने सोच रखा था कि तालिब इल्मों के लिए असाज़ा इकराम के लिए जनाब मोहतरम मुजी वकार चौधरी रहमत अली साहब को यहाँ पर मंगवाया जाए और टीचरों को तलबा को वो बिठा कर उनकी बातें, उनकी कारकर्दगी, उनकी शख्सियत उजागर करके ये बताया जा सके कि उनकी खिदमात क्या हैं, इंस्पायर किया जा सके ताकि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ला सके। मैं अपने मौजूद मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। कोई लम्हा मेरा खाली नहीं गया कि जब मैंने चौरी साहब का नाम ना सुना हो, चौरी साहब के काम की तारीफ ना सुनी हो, तो इस मौके पर मैं तहे दिल से ममनून हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे इस तरबियत का मौका दिया। जो एहसान चौधरी रहमत अली साहब ने किया है वो इतना बड़ा है कि हम उसका बदला नहीं दे सकते। बस अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, हम दुआएं कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम टीचर है, उस्तादों का जो उस्ताद है, आप आज इस जगह पे मौजूद हैं और अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इनका साया इन बच्चों के ऊपर कायम और दायम रखे। तो जब भी कहीं कोई नाम आता है तो हमेशा चौधरी रहमत अली साहब का नाम आता है। 100 साल से ज्यादा उम्र पाने वाले सीनियर हेडमास्टर चौधरी रहमत अली साहब को उनकी फैमिली को आज भी साबका तालब इल्म अकीदत व एहतराम से जहां नवाजते हैं और मुकाम देते हैं, वहाँ पर इस मादर इल्मी में बुलाकर इनको सलूट भी पेश किया। चौधरी रहमत अली साहब से हजारों तालब इल्मों ने अपने दिल की शम्मा को इल्म की रोशनी से मुनवर किया और कौमी व बैनुल इक़वामी सतह पर अपने मुल्क और उनका नाम रोशन किया। आज भी इस खानदान के पास तालीमी मैदान में 16 गोल्ड मेडल्स हैं, जो इस खानदान की इल्म दोस्ती का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। मादर इल्मी जंडेला शेर खान बॉयज़ हाई स्कूल में चौधरी रहमत अली साहब के हमरा उनके बेटे अब्दुल्ला अली यूसुफ पाशा, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शेखुपरा, नवासों चौधरी अरफान अली पाशा, वहीद अली पाशा ने भी शिरकत की। जबकि इस पुरवकार तकरीब में अब्दुल्ला अली यूसुफ पाशा सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने स्कूल इंतजामिया, स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल और वारिस शाह वेलफेयर सोसाइटी और साबका तालब इल्मों मोहम्मद यूनस काजी, मोहम्मद याकूब जिया, मौला गुलाम हैदर खोकर, मलक बशारत खोकर, साई मिराजुद्दीन, एहसान मालिक खान, मियाँ हबीबुर रहमान, राणा ताहिर रशीद खान, अख्तर रसूल जंजुआ और सीनियर हेडमास्टर राणा एहसानुल हक समेत कैसर शफी का भी शुक्रिया अदा किया। ये
سو سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے, ورنہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے, ابھی بھی جو وہ بات کرتے ہیں یا جو وہ علامہ اقبال کا کوئی شعر بولتے ہیں یا کسی فلاسفر کی بات کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ والد صاحب کی وکیبلری ابھی بھی اتنا کام کرتی ہے. تو ہم سے زیادہ اپنے شاگردوں سے شاگردوں پہ ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. اور جنڈیالہ شیر خاں کے لیے تو یہ لفظ بولتے ہیں کہ یار وہاں میں نے اپنا خون دیا ہے, وہاں میں نے اپنی جوانی گزاری ہے. ہمیں بھی یہی درس دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے جس فیلڈ میں بھی جاؤ ایسے کام کرو, ایسے محنت کرو, ایسے لوگوں سے ملو کہ دنیا ہمیشہ آپ کو یاد رکھے. تو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. والد صاحب کی عزت افزائی کے لیے آپ کے بے حد مشکور ہیں. نوجوان نسل کو اساتذہ اکرام کی عزت و توقیر اور ادب کے بارے میں آگاہ کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے. بابکار قومیں اساتذہ کا احترام کر کے ہی بلند مقام حاصل کرتی ہیں. اس رپورٹ کے ساتھ ہی یو پنجاب سے میزبان اختر سلجھنجھوا کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.